गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आपका मणि नाइन पर। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। आपके लिए लेकर हाजिर हूं आपकी जेब और जिंदगी पर सीधा असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस खबरों का बुलेटिन मणि मॉर्निंग। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। देश के बैंकों ने 2014 से 2023 के बीच 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा डूबे कर्ज की वसूली की है। ईडी ने करीब 1,105 बैंक धोखाधड़ी मामलों की जांच की है, जिसके बाद 64,920 करोड़ रुपए की क्राइम इनकम जब्त की गई है। दिसंबर 2023 तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 15,183 करोड़ रुपए की संपत्ति ईडी ने वापस की है। हाल ही में भारत के बैंकिंग क्षेत्र ने 3 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार करते हुए अपना अब तक का सबसे ज्यादा नेट प्रॉफिट दर्ज किया है। डिजिटल भुगतान के तरीके लोकप्रिय होने के बावजूद देश में अभी भी नकदी का ट्रेंड बना हुआ है। आरबीआई के मुताबिक चलन में मौजूद कुल मुद्रा में 500 रुपए मूल्य के नोट की हिस्सेदारी बढ़कर 86.5% हो गई है। एक साल पहले यह हिस्सेदारी 77.1% थी। 2000 रुपए मूल्य के नोट के बंद होने से 500 रुपए मूल्य के नोट के इस्तेमाल में उछाल आया है। भारतीय रुपए को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण मुद्रा बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक नियमों को उदार बनाने जा रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार आरबीआई घरेलू मुद्रा को वैश्विक स्तर पर मुख्य मुद्राओं में शामिल करने के लिए भारत के बाहर रह रहे प्रवासियों को देश के बाहर रुपी अकाउंट खोलने की अनुमति देगा। इसके साथ ही विभिन्न दिशा निर्देशों को रैशनल बनाने पर भी ध्यान दिया जाएगा। स्पेशल अकाउंट्स एंड स्पेशल रुपी वस्त्रो अकाउंट के जरिए भारतीय बैंकों के PROI को रुपए में उधार देना शुरू किया जाएगा। FDI और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में भी रुपए के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपनी फिक्स डिपॉजिट स्कीम की ब्याज दरों में बदलाव किया है। बैंक 2 करोड़ रुपए से कम वाली FD पर अब ब्याज दर ज्यादा देगा। 7 दिन से लेकर 10 साल वाली FD पर यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक नॉर्मल कस्टमर्स को 4.5% से लेकर 9% तक ब्याज दे रहा है। सबसे ज्यादा 9% ब्याज 1001 दिन वाली FD पर मिलेगा। वहीं सीनियर सिटीजन को 701 दिन वाली FD पर बैंक 8.95% इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहा है। प्राइवेट सेक्टर के फेडरल बैंक ने टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ एक साझेदारी की है। इस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का मकसद फेडरल बैंक के ग्राहकों को टाटा AIA लाइफ के अलग अलग इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को अवेलेबल कराना है। फेडरल बैंक के ग्राहक टाटा AIA के टर्म इंश्योरेंस, बचत से जुड़ी योजनाएं समेत अलग अलग इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स आसानी से ले सकेंगे। भारतीय उपभोक्ताओं के बीच बीमा योजनाओं की पहुंच दर बहुत कम है। इस साझेदारी के जरिए बैंक का लक्ष्य अपने ग्राहकों के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी और मनी मैनेजमेंट डिसिप्लिन को बढ़ाना है। RBI वित्त वर्ष 2023-24 में ब्रिटेन में रखे अपने 100 टन सोने को देश में वापस लेकर आया है। ये साल 1991 के बाद सोने का सबसे बड़ा ट्रांसफर है। 1991 में विदेशी मुद्रा संकट से निपटने के लिए सोने के बड़े हिस्से को गिरवी रखने के लिए तिजोरियों से बाहर निकाला गया था। आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 में देश के कुल सोने के भंडार में 27.46 टन की बढ़ोतरी हुई है और ये बढ़कर 822 टन हो गया है। अन्य देशों की तरह भारत का सोना भी बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास जमा है। भारत में 100 टन सोना वापस आने से लोकली स्टोर्ड सोने की कुल मात्रा बढ़कर 408 टन से ज्यादा हो गई है। इससे स्थानीय और विदेशी होल्डिंग अब लगभग बराबर है। DGCA ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में अत्यधिक देरी और यात्रियों की देखभाल में नाकाम रहने के लिए एयर इंडिया को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। DGCA ने इस नोटिस में 30 मई को दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को की उड़ान AI-183 और 24 मई को मुंबई से सैन फ्रांसिस्को की उड़ान AI-179 के परिचालन में हुए अननेसेसरी डिले का जिक्र करते हुए जवाब मांगा है। एयर इंडिया की दोनों उड़ानें केबिन के अंदर टेम्परेचर कंट्रोल न होने की वजह से काफ़ी देर से संचालित हुई थी और यात्रियों को बहुत असुविधा का सामना करना पड़ा था। घरेलू यात्री वाहन बाजार में अगले कुछ साल में बिक्री का आंकड़ा 50 लाख को पार कर जाने की उम्मीद है। पिछले साल ये आंकड़ा 41 लाख था। इस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने के लिए टाटा मोटर्स ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। टाटा मोटर्स अपनी मार्केट सिचुएशन को और मजबूत करने और इस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने के लिए अच्छी स्थिति में है।
फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने जियो फाइनेंशियल ऐप का बीटा वर्जन शुरू करने की घोषणा की है। इसका मुख्य उद्देश्य हर वर्ग के लोगों के लिए एक ही मंच पर फाइनेंस से जुड़े प्रोडक्ट्स को अवेलेबल कराना है। जियो फाइनेंस फाइनेंशियल सर्विसेज को ज्यादा ट्रांसपेरेंट, किफायती और सहज बनाना चाहती है। ये ऐप डिजिटल बैंकिंग, यूपीआई ट्रांजैक्शंस, बिल सेटलमेंट, इंश्योरेंस एडवाइस जैसी सर्विसेज अवेलेबल कराएगी। फ्यूचर में इस ऐप के जरिए म्यूचुअल फंड पर लोन और होम लोन जैसी जरूरतें भी पूरी होंगी। अकासा एयर ने गोरखपुर से दिल्ली और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के लिए सीधी उड़ान सेवा शुरू की है। एयरलाइन गोरखपुर के अलावा उत्तर प्रदेश में चार अन्य शहरों लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या और प्रयागराज के लिए भी एयरलाइन सर्विस देती है। एयरलाइन ने अगस्त 2022 में अपना ऑपरेशन शुरू किया था। अकासा ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय उड़ान शुरू की है। फिलहाल ये भारत से दोहा और जेद्दा के लिए एयरलाइन सर्विस देती है। चीन की स्मार्टफोन कंपनी वीवो अपना फोल्डेबल फोन एक्स फोल्ड 3 PRO मार्केट में उतारने वाली है। इस फोन का प्रोडक्शन कंपनी के ग्रेटर नोएडा प्लांट में किया गया है। 6 जून को बाजार में पेश होने वाले इस स्मार्टफोन के साथ कंपनी प्रीमियम सेगमेंट में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने का प्रयास करेगी। कंपनी ने कहा है कि भारत में स्मार्टफोन बाजार में प्रीमियमाइजेशन की स्पीड बढ़ती जा रही है और ये ट्रेंड आगे भी जारी रहेगा। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। बने रहे मनी लाइन के साथ। अभी के लिए नमस्कार।